So hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So hope you're doing good. First of all, happy Diwali to all of you. And आज है दिवाली 12th of November and I'm ready. आज जैसे मैंने आपको बताया था धनतेरस वाले व्लॉग में कि हम जाएंगे गांव में एंड अभी हो रहा टाइम 10:30. हम अभी तो मतलब सिर्फ तैयार हुई हूँ मैं, भैया, मम्मी, पापा तीनों तैयार होने रहते हैं. अभी नाश्ता चल रहा है अंदर, भैया नहाने गए हैं एंड मम्मी खाना बना रही हैं. सो अभी थोड़ी देर में जैसे भी मतलब जब हो जाएंगे रेडी, मैं मार्केट भी जाना है. मतलब सुबह गए थे मैं और भैया थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए एंड बाद में फिर से जाना है. एंड ऑफिस में भी जाना है एक बारी, वहाँ पे भी थोड़ा कुछ मतलब सेटअप करके आएंगे. दिवाली है तो दिए वगैरह. एंड फिलहाल अभी करते हैं नाश्ता, फिर उसके बाद जिस टाइम चलेंगे वो देखेंगे. तो अब मैं बनाऊँगी रंगोली. खाना खा लिया. ये रहे कलर्स, इसमें तो है सारे नए वाले कलर्स एंड इसमें थोड़े पुराने वाले कलर्स एंड डिब्बी वगैरह रखी है ये एंड ये काफ़ी सारे हैं. बताती हूँ आपको, पूरा डिब्बा भर के कलर्स हैं हमारे पास. अब जितने डिजाइन जितने कर लेंगे, एक घर बनाऊँगी इस एरिया में मंदिर के यहाँ पे अंदर मंदिर एंड इधर रंगोली. सो अभी हम जा रहे हैं गाँव, मतलब रेडी हो गए हैं. पहले मेरे को सेंटर जाएंगे, वहाँ से चाचू मेरे को और भैया को पिक कर लेंगे एंड मम्मी पापा थोड़ी देर बाद थोड़ा सामान वगैरह लेंगे, उसके बाद आ जाएंगे सीधा गाँव. फ़ोन मम्मी के पास रहेगा तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी रास्ते का, तो सीधा आपको वहीं का मिलती हूँ. बाय. ओके, सो पहुँच चुके हैं हम एंड हम तो पहले पहुँच गए थे पर मम्मी पापा अभी आया तो इसलिए अब मेरे हाथ में फ़ोन लगा है. एंड इसको बहुत जल्दी हो गई थी व्लॉग बनाने के लिए एंड यहाँ पे खाने भी आप पहली बार देख रहे हैं. हम सारे मिलके मैच देख रहे हैं, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स. होप कि इंडिया जीते एंड दिवाली भी है तो एंड अब हमें बाहर बुलावा आ रहा है. चलो इंडिया के जीतने के बाद बेटा के बजाएंगे. मैंने ड्रेस भी चेंज कर ली थी क्योंकि इन लोगों ने मुझे ड्रेस कोड नहीं बताया, दोनों सेम डाला है और मैं अलग थी तो मेरे पास मैं साथ में लाई थी तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया. मेरे बाल खराब हो गए. अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे में कैंडल जलाने के लिए. हम गुरुद्वारे में जाते हैं एंड रास्ते में जो मतलब कई चीज़ें हैं यार, मेरे को सभी के आप बता दो. मंदिर है, गुरुद्वारा है, पीपल पे जलाते हैं. पीपल पे, पीपल के पेड़ के नीचे. हाँ तो पीपल का पेड़ ही तो होता है, और क्या होता है पीपल का. और क्या, मंदिर में और गुरुद्वारे में, दुकान पे. दुकान पे तो धर्मशाला में एंड अभी फिलहाल जा रहे हैं. आधे रास्ते चार छोड़ गए हैं एंड आधे रास्ते हम लोग जा रहे हैं एंड गुडल भी हमारे साथ आ गए. अब हम जा रहे हैं धर्मशाला में एंड वहाँ पे कैंडल जला के हम जाएंगे घर, आई थिंक सो. Let's go for puja. नहीं निकले पक्का पक्का.
गाइस अभी हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर नहीं थोड़ी देर अभी अभी हम चल रहे हैं सो लेट्स गो हेलो तो घर पहुंच चुके हैं बाहर सारे पटाखे पटाखे फूट रहे हैं एंड अभी मैं फिलहाल इस ड्रेस को चेंज करने वाली हूँ मैं डालूँगी सिंपल ड्रेस के लिए मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहे कपड़े ओके तो अभी कोई गेस्ट आया था इसलिए मैंने अभी ड्रेस चेंज नहीं करी है तो आएंगे उसके बाद मैं शूट करूँगी एंड चेंज करके इनफैक्ट या फिर मैं भरोसा नहीं हूँ खुद को भरोसा नहीं अपना गेस्ट आ चुका है एंड अब हम चलाएँगे दी एंड आफ्टर देन छोड़ेंगे पटाखे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्या क्या गया फिर से बोला एक गियर वोरे पे चला दिया एंड बाकी अंदर रेडी कर रहे हैं इट्स टाइम फॉर पूजा सारा सेट कर लिया ये भी लिखिए सो ड्रेस मैंने चेंज कर ली है एंड अब हम फोड़ेंगे पटाखे ये कुछ एक भैया निकाल गए एंड बाकी थैली में रखे सारे ये रहे ये तो ढक्कन है मजा आएंगे पटाखे फोड़ते फोड़ते सब वीडियो बनाने का मतलब मन नहीं कर रहा था ना ही टाइम मिल रहा था पटाखे फोड़े वीडियो बनाए क्योंकि मैंने कुछ एक शॉर्ट्स किए तो वो आप लोगों ने देख लिए होंगे एंड इस व्लॉग के लिए इतना ही हैप्पी दिवाली वंस अगेन होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू शुड नॉट फॉरगेट टू थम्स अप शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज इन नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय